हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो गाइस आप सभी? ये मेरी कल रात की वीडियो क्लिप है। मैंने पूड़ी बनाई थी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। पूड़ी छान दी थी मैंने रात को और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रखा है ये पूड़ी और आलू की भुजिया सब्ज़ी अचार दही के साथ जो है ना पूड़ी सब्ज़ी आलू की, जो बहुत अच्छी टेस्टी लगती है। और करोना वायरस का सबसे ज़्यादा असर उन पतियों पर हुआ है जो ज़्यादा टाइम तक घर से बाहर रहते थे बेचारे, उनका ही सबसे ज़्यादा बुरा हाल हुआ है। ये नेक्स्ट डे का है और ये मैं अपना 8 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। एक्चुअली एडिटिंग पहले कर दी थी बट वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी, तो इसलिए अभी शाम को बालकनी पे बैठ के चाय पी रही हूँ और साथ के साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये अपनी मॉर्निंग की मैं अपने घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। बहुत फास्ट रूटीन दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट रूटीन दिखा रही हूँ। और जिन जिन लोगों को लगता है कि घर का काम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो मैं देखिए एक साथ ही कितनी सारी चीज़ें कर रही हूँ। एक तरफ मैं अपने किचन काउंटर टॉप को साफ़ कर रही हूँ, दूसरी तरफ मैं एक भगोना जो है धो के उसे एक तरफ चावल रखूँगी पकने के लिए, दूसरी तरफ चाय रखूँगी, फिर आके बर्तन धोऊँगी, फिर ऐसे ऐसे करके मैं अपने घर का सारा काम जो है बहुत ही आसानी से निपटा देती हूँ। अगर हम पहले के लोगों को बोलते हैं कि हम घर कितने काम करते हैं, तो वो आपको उससे भी ज़्यादा अच्छी राय देने लग जाएंगे। हम तो पहले ऐसे करते थे, वैसे करते थे, हम सुबह 5 बजे उठ जाते थे। कोई बात नहीं, हम सुबह 5 बजे नहीं उठते हैं, 6 बजे उठते हैं चाहे 7 बजे उठते हैं, लेकिन अपने घर का काम जो है ना एक नियम से ही फॉलो करते हैं। अपने घर का काम करते हैं किस तरीके से, TV पे जो है आ रहा है, मूवी आ रही है, चल रही है, जो मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहूँगा, तो ये बैठ के मूवी देख रहे हैं, ये बोल रहे हैं मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहूँगा। मैंने बोला नहीं, जोरू का गुलाम नहीं, इंसान ही बन के रहो। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे किसी को गुलाम बना के रखना है, तो जो है सो अच्छा है। अब मैं यहाँ पे जो है अपना लंच की तैयारी कर रही हूँ, साथ के साथ मैं यहाँ पे बेसन जो है सान के रखूँगी। मैं पानी एक तरफ रख दिया मैंने उबलने के लिए कढ़ाई में, जब तक मेरा पानी उबलेगा तब तक मेरा बेसन भी हो जाएगा, साथ के साथ मेरा चावल पक गया है। मेरा सुबह जो है नाश्ते में मैंने प्याज के पराठे बनाए थे, तो ज़्यादा ही आटा सान दिया था प्याज के पराठे, ताकि दोपहर के लिए लंच के लिए हो जाए। तो सब्ज़ी में मैंने सोचा क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आलू और यही सब खा खा के बोर हो गए थे, बाकी कुछ तो मिल नहीं रहा मार्केट में। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं आज बेसन की सब्ज़ी बना देती हूँ, बहुत टाइम के बाद मैं बेसन की ये वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने कहा चलो आज बेसन ही बना देते हैं। तो देख सकते हैं फटाफट मैं यहाँ पे बेसन की जो है प्रिपरेशन कर रही हूँ अपने सब्जी की। चावल हो गया है मेरा, आटा सन के रखा हुआ है, नाश्ते में पराठे बने थे प्याज के और चार और चाय के साथ खाए थे हम लोगों ने। तो मैं बेसन की सब्ज़ी ऐसे ही बनाती हूँ, इसको काफ़ी अच्छे से जो है मैं गूँथ लूँगी, ताकि जो है अच्छे से पानी में जाने के बाद पक जाए। और पानी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उबलने के बाद ही इसे पानी में डालना होता है। अगर पानी जो है उबला नहीं हो इसे आप डाल दो तो ये अच्छी तरीके से पकता नहीं है, और इसे काफ़ी अच्छे तरीके से गूँथना होता है, आटे से भी ज़्यादा मुलायम इसे गूँथना होता है। जब आप इसे देख ले कि अगर ये आपके हाथों में चिपके ना, तो ही आप इसकी जो है इसे पानी में डालें, इस तरीके से पानी में डालना होता है। और पानी में जो है गाइज़ मैंने पहले ही नमक मिला के रख दिया है और पानी उबल रहा है और ये जल्दी पक जाएगा। उसके बाद इसकी कटिंग करके मैं दूसरी कढ़ाई में तल लूँगी। मैं छोटी कढ़ाई में ही तलती हूँ सारी चीज़ें, और यहाँ मैं पानी रख रही हूँ उबलने के लिए, पीने के लिए, क्योंकि मैं घर पे ही पानी उबालती हूँ, तो अपने ये चाय वाली केतली में पानी उबाल रही हूँ। और साथ के साथ किचन काउंटर टॉप भी मैं जो है क्लीन करती जाती हूँ, मुझे क्योंकि गंदा किचन अच्छा नहीं लगता। बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में ऐसा होता है मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, तो उसी वक्त जो है मैं खाना बनाने के बाद नहीं क्लीन कर पाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि खाना बनाने के बाद किचन साफ़ करने का मन नहीं करता, क्योंकि हम खाना खा लेते हैं तो पेट ओवर कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, तो उसी टाइम किचन साफ़ करने का मन नहीं करता। अदरवाइज़ मेरा जो है नियम ही है कि खाना बनाने के बाद मैं किचन काउंटर टॉप हमेशा क्लीन करके रखती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि किचन में जितनी साफ़ सफाई होगी उतने घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो यहाँ पर मैं अपने जो है बेसन को कटिंग करने के बाद तल रही हूँ। और गाइज़ मैं आपको बता दूँ, मैं मिक्सी में कभी मसाला नहीं पीसती हूँ और मैंने अभी तक मिक्सी ख़रीदी भी नहीं। एक्चुअली क्या है, मुझे जो है सब्ज़ी का टेस्ट ना थोड़ा गांव जैसा पसंद है, तो इसीलिए मैं जो है सब्ज़ी
जब भी बनाती हूँ तो उसका जो मसाला रेडी करती हूँ ना, तो ग्लास में ही रेडी करती हूँ। कभी आप लोग भी ट्राई करके देखना, आपको बिल्कुल जो है खाने की खुशबू ना एकदम गांव जैसी आएगी। ग्लास में ही मैंने लहसुन, जीरा, प्याज और लाल मिर्च वगैरह डाल के इसी में एक मसाला रेडी करती हूँ। हमेशा बेलन से ही कूट के रेडी करती हूँ, क्योंकि मेरे घर पे जो है मम्मी के पास मिक्सी था, फिर भी मम्मी को मैं हमेशा देखती थी कि वो हमेशा जो है ग्लास में ही मसालों को रेडी करती थी। जब से ही मैंने सीखा है, मेरे दिल्ली वाले घर में भी मिक्सी था, लेकिन फिर भी मैं मसाले जो है ग्लास में ही हमेशा कूटती थी। आप लोगों ने मेरे कई सारे वीडियो में देखा भी होगा। और यहाँ पे मैं फटाफट खाना रेडी कर रही हूँ। बहुत लोगों के लिए काम जो है ना एक टास्क लगता है, बट घर के काम करना तो हम लोगों का जो है जन्म सिद्ध अधिकार तो नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है किचन में काम करना। और लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर तो बेचारे उन पतियों के ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, जो हरदम घर से बाहर रहते थे जॉब के लिए। और जो लोग घर पे रहते थे उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो ऑलवेज ही घर पे रहते थे। जो लोग जैसे हम लेडीज़ हैं, हम लेडीज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हम तो ऑलरेडी घर पे रहते हैं। बच्चों को और हस्बैंड लोगों को ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है बेचारे, उनको समझ में नहीं आ रहा। कुछ हस्बैंड तो अपने बच्चों के खिलौनों के साथ खेल रहे हैं, कुछ खाना बना रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे ही बेचारे अपना टाइम पास कर रहे हैं। क्योंकि कभी वो ऑफिस में छुट्टी मांगते होंगे तो उनको मतलब एक दिन से ज़्यादा छुट्टी मिलती नहीं होगी, और यहाँ पे पूरे तो एक महीने की छुट्टी मिल गई है। बेचारे समझ ही नहीं पा रहे, उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि एक महीने छुट्टी मिल गई तो मैं करूँ क्या। तो ऐसा वाला हाल हो गया है बेचारे सारे पतियों का, घर बैठे औरतों को देख रहे हैं। औरतें बेचारी क्या करती है, कैसे करती हैं बेचारी। जो औरतें घर में दिन भर काम करती है वो बैठ के अपने औरतों को निहारते होंगे, देखते होंगे। कुछ तो किचन में लगे होते हैं, कुछ तो अपने वाइफ के जो हैं हाथ बटा रहे होंगे, तो ऐसे ही वो अपना बेचारे टाइम काट रहे होंगे। चलो डिफ़िकल्ट तो हम लोगों के लिए इतना नहीं है, क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी घर पे ही रहते हैं शुरू से ही। तो मैं यहाँ पे गाइस कढ़ाई में सरसों का तेल डाल रही हूँ, क्योंकि सब्जी जो है ना मैं सरसों का तेल में ही बनाती हूँ। मैं फॉर्चून का सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, और फॉर्चून का ही रिफाइंड तेल यूज़ करती हूँ। मेरा जो है मसाला रेडी हो गया है, बेसन जो है मैंने तल लिया भुन के, मतलब वही कढ़ाई में रिफाइंड में उसे थोड़ा सा जो है लाल करना होता है। और अब मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, इसमें मैं प्याज का तड़का लगा के, हरी मिर्च नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने मसाले में जो है लाल मिर्च पीसी है तो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। तो मैं कढ़ाई में ही प्याज का तड़का लगा के मसाले जो मैंने ग्लास में रेडी किया उसको मैं कढ़ाई में डाल दूंगी। मसाला भुनने के बाद जो है मैं टमाटर को सब्ज़ी में काट के कभी नहीं डालती हूँ, उसमें बीज वगैरह जो होते हैं ना वो बाद में पेट में ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि टमाटर में ना छिलके होते हैं, कभी पतले छिलके होते हैं, कभी मोटे छिलके होते हैं। तो वो हमेशा सब्ज़ी में जब भी टमाटर डाले तो उसको घिस के डालें, इससे क्या होता है आपकी सब्ज़ी का टेस्ट भी अच्छा बनता है और आपको प्रॉब्लम भी नहीं करता। क्योंकि मेरा निशु जो है ना वो भी छिलके वगैरह मुंह में आ जाता है ना तो वो चिल्लाता है, मुंह से बाहर निकाल देता है। तो मैं कभी भी सब्ज़ी में टमाटर जल्दी काट के नहीं डालती हूँ, कभी कभार डाल देती हूँ अगर जल्दी खाना बनाना होता है, अगर लेट वगैरह हो रहा होता है तो। और यहाँ पे मैं फटाफट अपना जो है खाना रेडी कर रही हूँ, तो देख सकते हैं। और बताना किन किन लोगों के लिए खाना बनाना एक टास्क लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है। मुझे तो ये सारे काम बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगते गाइस। मैं आपको बता दूं, मैं अपने घर का सारा काम फिनिश करने के बाद निशु को एक्टिविटी भी कराती रहती हूँ दिन भर बैठ के, जितना मेरे पास टाइम बचता है। और सारे काम निपटाने के बाद घर में हम सिर्फ 3% है, 3% के लिए कितना काम होगा। एक टाइम सुबह उठ के चाय नाश्ता बना लिया, फिर उठ के 12-1 बजे तक लंच बना लिया, फिर उसके बाद जो है पूरा दिन ऐसे ही पड़ा रहता है। फिर शाम को उठ के चाय वाय बना लिया, उसके बाद जो है फिर डिनर की तैयारी कर लिया, फिर थोड़ा टाइम टीवी वगैरह देखने में चला जाता है। अभी आजकल तो न्यूज़ ही ज़्यादा देख रही हूँ, न्यूज़ देखने में चला जाता है मेरा। तो उसके बाद कुछ भी नहीं है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। पता नहीं कैसे लोग कुछ लोगों को लगता है कि खाना बनाना एक टास्क है, और वो बोलते भी हैं बहुत लोग कि खाना बनाना एक टास्क है। तो देख देख सकते हैं, मैंने सब्जी जो है मसालों को दूसरी तरफ रख दिया है भुनने के लिए, और जब तक मेरा वहाँ पे मसाला भुनेगा मैं यहाँ पे अपनी रोटियाँ भी बना लूँगी। और ज़्यादा रोटियाँ नहीं बनानी है, सिर्फ 3 रोटियाँ बनानी है। और मैं बालकनी पे बैठी हूँ, बहुत तेज़ हवा चल रही है बाहर से, थोड़ा आसपास की नॉइज़ भी आ रही है, आवाज़ें आ रही है, कुछ लोग बातें वगैरह कर रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी।
तो देख सकते हैं मैं अपने काम को कैसे निपटाती हूँ। गाइज मैं बता दूँ, सुबह उठ के मैंने सबसे पहले चाय रखी, दूसरी तरफ मैंने आटा लगा के रख दिया, और जब तक चाय पक रही थी जब तक मैं अपने बेडरूम में झाड़ू लगा कर आ गई, और पूरे फिर उसके बाद जो है मैंने फटाफट जो है प्याज के पराठे रेडी कर दिए थे, फिर सब लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया, उसके बाद जो है मैं फटाफट बर्तन क्लीन किए। आप लोगों ने देखा ही, जैसे बर्तन क्लीन किए, एक तरफ मैंने चावल रखा, दूसरी तरफ मैंने बर्तन धुले, और फिर फटाफट मैं खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तीसरी तरफ आप देख सकते हैं पानी भी मेरा एक तरफ उबल रहा है। तो मैं काम को जो है ना इसी तरीके से अपना डिवाइड करके बांट लेती हूँ, तो जब थोड़ा लगता है कि नहीं कर पा रही हूँ तो हेल्प ले लेती हूँ, अदरवाइज़ तो मुझे खुद ही अच्छा लगता है काम करना। और बाकी इतना टाइम बचता है, इतना टाइम बचता है कि मैं इन सब कामों को फिनिश करने के बाद कुछ DIY करती हूँ, घर में कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, कुछ एक्टिविटी करती रहती हूँ। मैं खाली बैठती नहीं हूँ, एक्चुअली मैं दिन में जल्दी सोती नहीं हूँ, कभी कभार ऐसा होता है नींद आ जाती है थकान की वजह से, अदरवाइज़ मैं दिन में अपने घर का कुछ ना कुछ जो है डेकोरेशन की चीज़ें बनाती रहती हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैंने रात को क्या चीज़ बना रही थी। मैं कुछ पेंटिंग वगैरह कर रही थी, वॉल डेकोर का कुछ आइटम्स बना रही थी, तो 1 घंटा मैंने वहाँ पर दिया। Thank you.